रियान पराग के कमाल पर सैम करन का डबल धमाल, अश्विन का रिटायरमेंट से पहले एक बैटिंग में क्लास शो, संजू सैमसन का हिट होकर भी फ्लॉप होना, पंजाब का चढ़कर खेलना, वेल पंजाब और आरआर का मुकाबला यूं तो बहुत सारी उम्मीदों से नहीं भरा हुआ था, क्योंकि इस मैच से हारने जीते से किसी को खास फर्क पड़ नहीं रहा था, ना पंजाब की सेहत को ना आरआर की सेहत को। लेकिन ये मैच इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि राजस्थान लगातार चार मैच हार गई, राजस्थान चोकर का टैग लेने लगी। ऐसे में हमें लगा कि जब केकेआर नंबर वन है, आरआर दो पर है, दो से तीन जा सकती है, एसआरएच ऊपर आ सकती है, तो क्यों ना इस मैच के टॉप फाइव मूवमेंट आपको बता दें, क्योंकि इस मैच में आरआर की हार के बीच में भी काफी कुछ था। जैसे रियान पराग वो पहले इंडियन प्लेयर बन गए या पहले इस साल के प्लेयर बन गए, अनकैप्ड प्लेयर, जिन्होंने आईपीएल 2024 में 500 रन बनाए, अब तक किसी ने बनाए नहीं है। रियान पराग इस सीजन में जलवा जलाल किए हैं, 12 मैचेस में 531 रन, 59 का एवरेज, 152 का स्ट्राइक रेट, 31 छक्के, 38 चौके, 4 अर्धशतक। कहानी ये कि फ्यूचर सुपरस्टार के तौर पर नजर आ रहे हैं। छक्का मारने के मामले में वो अभिषेक शर्मा, विराट के बाद थर्ड इंडियन है। एक रिकॉर्ड ये बनाया है कि सेकेंड इंडियन प्लेयर हो गए हैं जिन्होंने अनकैप्ड होकर सर्वाधिक रन बनाए, उनके आगे जायसवाल साहब हैं और पराग उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। जायसवाल ने जब लास्ट ईयर रन बनाए थे 600 प्लस, तब उनका सिलेक्शन टीम इंडिया में हो गया था। लोग मान रहे हैं कि रियान पराग भी हो सकता है शायद इंडियन टीम के लिए खेलने का मौका पा जाए, क्योंकि जलवा जो है वो जलाल किया है और बल्लेबाजी कमाल की है। ओवरऑल भी वो थर्ड नंबर पर हैं, सबसे आगे हैं जायसवाल 600 रन, फिर शॉन मार्श थे 2008 में और रियान पराग। तो रियान पराग को फुल इज्जत देते हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन इस मैच में एक बड़ा मोमेंट था सैम करन की तरफ से। सैम करन इस मैच के बाद जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान से खेलने, इंग्लैंड में मैचेस है, सैम करन वहाँ खेलेंगे। और सैम करन ने जाने के पहले एक ज़बरदस्त पारी खेलकर अच्छे नोट पर अलविदा कहा है। 41 बॉल पर 63 रन बनाए हैं, 5 चौका, 3 छक्का मारा है। बड़ी बात यह कि 36 पर 3 थे जब वो बल्लेबाजी करने आए और 5 मिनट बाद 44 पर 4 हो गया था। लेकिन इसके बाद सैम करन की एक बल्लेबाजी जिसमें 41 बॉल पर 63 रन मारे उन्होंने, 2 विकेट निकाले और उन चंद खिलाड़ियों की लिस्ट में आ गए जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल किया। बहुत सारे खिलाड़ी नहीं ऐसे, जेपी डुमनी, रसल, युवराज सिंह, उस खिलाड़ियों की फहरिस्त में आ गए 41 पे 63 और 2 विकेट 24 रन देकर। सो सैम करन ऑफ कोर्स गोना बी अ गुड मूवमेंट फॉर मी इन दिस मैच। संजू सैमसन की टीम भले ही हार गई, 4 मैच हार गई, चोकर का टैग ले गई, संजू सैमसन की टीम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जायसवाल फ्लॉप है, पूरी टीम ठाए ठुस ठुस हो गई है, लेकिन संजू सैमसन ने इस मैच में एक रिकॉर्ड बनाया, 500 रन आईपीएल ने पूरे कर लिए। कप्तान जो है वो अच्छा कर रहे हैं और 500 रन अच्छे होते हैं। संजू सैमसन और आपके रियान पराग, इन दोनों के 500 प्लस रन है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान रॉयल्स इज द ओनली टीम स्टिल जिसमें 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 500 प्लस रन बनाए, बनने चाहिए थे, जायसवाल के, बटलर के बनने चाहिए थे, लेकिन फिलहाल ये 2 खिलाड़ी है। अगर ये दोनों फॉर्म में एक साथ रहेंगे तो शायद राजस्थान आगे और मैचेस जीतेगी, लेकिन राजस्थान के लिए खतरे की घंटी बज रही है, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, और ये कह रही है कि चोकर मत बन जाना। एक बड़ा मोमेंट जो था वो अश्विन अन्ना का था। अश्विन ने राहुल चहर के एक ओवर में 17 रन कूट दिए, मतलब अश्विन को ऊपर प्रमोट किया गया था। और अश्विन भी एक तरीके से बढ़िया प्लेयर है यार, मतलब जो छक्का मारा, जो चौका मारा, फिर चौका मारा, वो इंटरेस्टिंग था। अश्विन बैटिंग अच्छी करते हैं, आप उन्हें अच्छा मौका देंगे अच्छा रहेगा। हालांकि अश्विन शायद रिटायरमेंट ले लेंगे, खबर आ रही है इस आईपीएल के बाद T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लेंगे, तो वो एक बड़ा सेटबैक इंडिया के लिए हो सकता है। अश्विन हालांकि T20 क्रिकेट में ठीक है, अब बहुत सारे प्लेयर इंडिया के पास हैं जो अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, तो ठीक है, उनका कैमियो देखना अच्छा था। और एक बढ़िया मोमेंट था रियान पराग के कैच का, बाउंड्री लाइन के पास एक शॉट जाता है, रियान पराग जाते हैं, कैच पकड़ते हैं, वॉक करते हैं, थ्रो जाते हैं, वो बढ़िया कैच था, मतलब जो शुरू में विकेट गिरे, पंजाब शुरू में लग रहा था फंस जाएगी 44 पे 4 पर, लेकिन फिर बढ़िया कमबैक पंजाब ने किया और ज़बरदस्त कमबैक के साथ इस मैच को जीत लिया। ये 5 मूवमेंट हमारे हिसाब से इस मैच में बढ़िया था। और कोई मूवमेंट आपको लगता है जो बढ़िया था, कमाल था, धमाल था, कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा।